आज आपको इस वीडियो में बताने वाला है Redmi Y2 की लाइव बुकिंग MI.com और Amazon से। तो इसमें मेरा 100% बुक होने वाला है, तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखिए। मेरा 100% क्यों बुक होने वाला है, क्योंकि मैंने ये पहले बुक करके आवाज बाद में डाली है। तो इस वीडियो को जरूर शुरू से लेकर एंड तक देखिए। तो अब देख सकते हैं अमेजोन पे अभी ठीक राइट 1 या 2 मिनट बाद सेल है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अमेजोन पे आपको एड्रेस सेव करके कभी नहीं रखना। एड्रेस सेव करके रखेंगे तो आपका ऐड टू कार्ड होना मुश्किल हो जाएगा। पहली या दूसरी सेल में तो आप आसानी से कर लेंगे एड्रेस सेव कर रहा होगा तो भी, पर लेकिन एड्रेस सेव नहीं करोगे तो आपका बुक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप ध्यान रखिए आपको एड्रेस बुक करके सेव करके नहीं रखना। अब जैसे सेल चालू हो जाए तो मैं आगे पीछे करने जरूर लगूंगा इसको। आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है, बस जब टाइम पूरा हो जाए उस वक्त पीछे होना है, उस वक्त इसको खोलना है। अब देख सकते हैं सेल हो चुकी है चालू। मैं इसे करता हूँ ऐड टू कार्ट, चेकिंग स्टेटस। अब मैं दूसरे मैंने ड्यू लैब्स किया हुआ अमेजोन का, तो इसमें मैं ट्राई करके देखता हूँ। मैं तीनों जगह से ऑर्डर करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ दोनों। अभी तक ऐड टू कार्ट नहीं हुआ मेरा, देख सकते हैं अभी। और ये देख सकते हैं मेरा डार्क ग्रे हो चुका है, ऐड टू कार्ड अब कार्ड के अंदर आ चुका है। इसके अंदर एड्रेस सेव करने का फायदा ये है कि इसके अंदर 15 मिनट का टाइम मिल जाता है। चाहे आप कैसे भी करके आप ऐड टू कार्ड होना चाहिए, उसके बाद 15 मिनट आपको टाइम मिल जाएगा, आप उसे आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं। अभी साइड से भी देख सकते हैं मेरे दोनों ऐड टू कार्ड हो चुके हैं, और इसमें ऑर्डर करके दिखाता हूँ आपके सामने। अब इसमें मेरे दो ऐड टू कार्ड हो गए, इसको रिमूव कर दूंगा एक को मैं, और यहाँ पे मैं जाता हूँ MI.com पे। अब MI.com पे भाग रहा है, देख सकते हैं अभी ये मेरे कार्ट में आ चुका है ये भी आसानी से। अब यहाँ पे मैं प्लेस ऑर्डर कर दूंगा, इसके अंदर भी आपको घंटे का टाइम मिल जाएगा। इसमें भी चाहे आप एड्रेस सेव कर सकते हैं इसके अंदर, तो फिलहाल अमेजोन पे आपको एड्रेस सेव करके नहीं रखना। तो ये देख सकते हैं मेरा हो चुका है MI से तो डन। अब अमेजोन से आपको करके दिखा देता हूँ अमेजोन। ये देख सकते हैं अब मैं इसमें से एक डिलीट कर दूंगा मेरे को, क्योंकि एक ही चाहिए पीस। अब इसमें हम करेंगे प्रोसेस टू चेकआउट। अब यहाँ पे एड्रेस मैं फिल करूँगा, क्योंकि एड्रेस मैंने सेव नहीं किया हुआ था, क्योंकि मेरे को पता है कि इसमें ऐड टू कार्ड नहीं होगा, सेव करके रखते हैं। अब यहाँ पे मैं एड्रेस फिल कर लेता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ ब्लर। और यहाँ पर डिलीवरी टाइम 7 पे कर दूंगा, और इसे कंटिन्यू कर दूंगा। कंटिन्यू के बाद वापस से कंटिन्यू का ऑप्शन मांगेगा, फिर बस को भी कंटिन्यू कर दूंगा। फिर इसके आगे ऑप्शन आएगा प्रोसेस टू कैश ऑन डिलीवरी का, उसे मैं सिलेक्ट करके इसको भी कंटिन्यू कर दूंगा। उसके बाद प्लेस योर ऑर्डर, इस पर भी क्लिक करने के बाद ये मेरा ऑर्डर हो जाएगा प्लेस। और ये देख सकते हैं मेरा सक्सेसफुली दोनों मोबाइल ऑर्डर करके दिखा दिया आपको लाइव प्रूफ के साथ।